इनकन्वीनियंस। हाँ जी बेटा, टुडे वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बेटा ऑफ योर क्लास, और ये सेकंड टर्म का चैप्टर है। हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, मींस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर, आपको बेटा ये पता होना चाहिए व्हाई वी आर स्टार्टिंग दिस चैप्टर। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट, और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। आप क्या है, देखो हम स्कूल की अगर बात करें, जनरली जब हम स्कूल की बात करते हैं तो क्या होता है हमारे पास बेटा, मेरे पास क्लास में ये सिटिंग्स हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 सिटिंग अरेंजमेंट मेरे पास है, लेकिन 5 स्टूडेंट्स हैं। मान लीजिए 5 स्टूडेंट्स हैं, मैंने इनको बिठाना है, मेरे पास कितने वेज हैं, दैट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वेज निकालने के लिए। अच्छा और मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास 3 डिजिट नंबर बनाना है, आई हैव टू मेक 3 डिजिट नंबर, ओके, वंस टेंस हंड्रेड, कितने नंबर्स बन सकते हैं, दैट कैन अगेन कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। फिर मैं आपको बताऊं, मेरे पास 10 बॉलर्स हैं, 20 बैट्समैन हैं, ओके, मुझे क्रिकेट की टीम बनानी, 11 प्लेयर्स चाहिए, प्रोवाइडेड मैं चाहती हूं कि 2 मेरे पास बॉलर्स आए और 8 बैट्समैन आए, या 6 बॉलर्स आए और जो है जितने भी बाकी बचे मेरे पास 5 बैट्समैन है। वॉट एवर माई कंडीशन इज, अकॉर्डिंग टू देम मैं वो टीम कितने वे से सेलेक्ट कर सकती हूँ, दैट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसमें हम वेज कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, कि अब मैं आपको बताती हूं, आप क्या करते थे प्रोबेबिलिटी में, 10th तक में हम आपको कहते थे कि बेटा 2 बार पॉइंट थ्रो किया ना तो 4 वेज आते हैं, है ना, आपको आउटकम, मतलब 4 आउटकम्स आप खुद बनाते थे, HH, TT, HD, PH बनाते थे कि नहीं, यही होता था ना। तो इतना सारे सैंपल पेपर, सैंपल एलिमेंट्स लिखने हमारे लिए पॉसिबल थे, लेकिन अगर मैं कहती कि मैंने 10 कॉइन्स फेंके और कितने वेज से आउटकम आ सकता है, या 1 कॉइन को 10 बार फेंका, मुझे पता है वो 2 की पावर 10 आएगा, यहां पर 2 की पावर 2, तभी 4 बचे, तभी 4 वेज हुए, अगर 3 कॉइन्स होते तो 2 की पावर 3 8 हुए। नंबर ऑफ वेज मैंने कैसे कैलकुलेट किए, पहले कॉइन को फेंकने के 2 वेज है, दूसरे कॉइन को फेंकने के भी 2 वेज है, थर्ड कॉइन को थ्रो करने के 2 वेज है, वो मल्टीप्लाई करती जाऊंगी तो अपने आप जितनी बार कॉइन थ्रो किया मेरे पास आंसर आता जाए, ठीक है जी, बात समझ आ। मींस बेसिकली ये चैप्टर हमें नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, और आगे यही नंबर ऑफ वेज फेवरेबल या टोटल हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। सो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है करने के, ओके। अब बेटा जो बुक के अकॉर्डिंगली अगर मैं चलूं तो बुक में सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट है, बिफोर स्टार्टिंग विद परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन दे हैव रिटन वन प्रिंसिपल ऑफ, या काउंटिंग प्रिंसिपल, काउंटिंग प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल काउंटिंग, वन इज द सेम थिंग, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल काउंटिंग, ये भी बेसिकली
किसको बताता है, क्या कैलकुलेट करने को बताता है? नंबर ऑफ वेज ही बताता है। दे ऑलवेज टेल अस कि हमें कितने नंबर ऑफ वेज से हम क्वेश्चन को इवैल्यूएट कर सकते हैं या किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। अब उसके लिए मैं आपको क्वेश्चन के साथ समझाती हूँ, एक्सरसाइज निकालना तो आपको ज्यादा पता चलेगा। ओके, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे आप लोगों को ये प्रिंसिपल अप्लाई करना आता जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। लेट अस डू, ठीक है? इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आपको अपने आप पता चलता है। फर्स्ट जैसे क्वेश्चन है मेरे पास एक्सरसाइज 7.1 का। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम, पहले तो थ्री डिजिट नंबर है, मैंने थ्री प्लेसेस बना दी, ठीक है? कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5, अज्यूमिंग दैट नंबर फर्स्ट है रेपिटिशन इज अलाउड, सेकेंड में रेपिटिशन इज नॉट अलाउड। ये दो पार्ट्स हैं, ओके? मैं सबसे पहले बेटा आपको बताने लगी हूं कि रेपिटिशन अलाउड हो और मैंने थ्री डिजिट नंबर बनाना है, लेकिन डिजिट्स ये यूज कर। अब मैं किसी एक बच्चे को बुलाती हूं, मैं कहूंगी बेटा यहां कोई फिल करो, उसके पास कितनी ऑप्शंस है, कितनी ऑप्शन होगी? वो वन भी फिल कर सकता है, वो टू भी कर सकता है, वो थ्री भी, वो फोर भी, वो फाइव भी, यानी कितनी ऑप्शन? फाइव की फाइव, यानी पहला वंस डिजिट वो फाइव वेज से करता है, ठीक है ना? रेपिटेशन अलाउड है, यानी मैंने फाइव यहां लिख दिया, मैं दोबारा भी यहां लिख सकती हूँ कोई भी, या मैंने फोर लिखा तो मैं फोर भी यहां दोबारा लिख सकती हूँ, रेपिटेशन इज अलाउड। तो दैट मीन्स अगली प्लेस मैं अगर आपको कहती हूँ बेटा तो आप कितने वे से सिलेक्ट कर सकते हो? फाइव वे से, वेरी गुड, फाइव वे से, नेक्स्ट भी फाइव वे से। अब इनके बीच में क्या आना है? एंड है ना, मतलब मैंने तीनों नंबरों को सिलेक्ट करना ही करना है। पहले एक किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा, मैं कोई छोड़ तो नहीं ना सकती। तो जब भी एंड दिमाग में आए तो हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अगर आपके दिमाग में एंड का कॉन्सेप्ट आ रहा है तो मल्टीप्लाई, और का कॉन्सेप्ट आएगा तो प्लस, ये माइंड में यहां सेट कर। ओके, तो यानी मेरे पास इन फाइव डिजिट्स को यूज करके अगर थ्री डिजिट नंबर बनाना है, प्रोवाइडेड कि मैं रेपिटेशन अलाउड कर सकूं, तो मेरे पास नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 5 × 5 × 5 125 वेज। इस चैप्टर में लिखना कम है, अब आगे तो सब्जेक्टिव पेपर आना है ना, तो इसमें लिखना भी कम है, सिर्फ सोचना ज्यादा है। एक लाइन में क्वेश्चंस आएंगे आप, एक लाइन सिर्फ। ओके बेटा, क्लियर? सबको बात क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? ठीक है जी, चलिए गुड। अब अगर मैं रेपिटेशन अलाउड नहीं करती, जस्ट थिंक, मैं रेपिटेशन अलाउड नहीं करती तो बेटा मैंने क्या करना है? देखिए, मैं ये वाला रब कर रहा हूं। अब सेकेंड पार्ट, रेपिटेशन नॉट अलाउड जो है, नॉट अलाउड। अब बेटा देखो, रहना तो थ्री डिजिट नंबर ही है, थ्री डिजिट ही रहना। अब यहां पर मेरे पास हो गए, मैंने मान लो वंस प्लेस पे सबसे पहले फिल किया, आप चाहे पहले हंड्रेड प्लेस पे कर लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैंने वंस प्लेस पे पहले फिल किया, कितने वेज थे? फाइव वेज थे।
ओके अब अगली बार में, अब जो यहां लिखा मैं उसको यहां पर नहीं लिख सकती। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। 5 चॉकलेट्स हैं, है ना, मैंने खानी है, मैंने पहले ये वाली खा ली, अब एक बार खा ली है तो मेरी टम्मी में गई, दोबारा नहीं ना मैं खा सकती। कितने वेज रह गए? 4 वेज रह गए। तो यानी यहां फिल करने के 4 वेज है मेरे पास। अब यहां पर भी एक फिल कर दिया, सपोज मैंने ये वाला चॉकलेट खा ली, अब कितने वेज रह गए? 1, 2, 3, तो दैट मींस 3 वेज। अब क्योंकि सारे एट ए टाइम मैंने करने ही करनी है सिलेक्शन, तो दैट मींस बीच में क्या आएगा? मल्टीप्लाई आएगा, तो दैट मींस नंबर ऑफ वेज मेरे पास हो गए 60। ये बात सबको समझ आई? एक सबसे इंपॉर्टेंट और बात, यहां पर कोई रेपिटिशन ऑफ डिजिट नहीं है, सब डिफरेंट डिफरेंट है। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज करूं, जरा ध्यान से देखना सभी बच्चे, इफ आई चेंज द नंबर, सपोज देखिए मैंने 3 डिजिट नंबर ही बनाना है, मेरे पास नंबर है 0, 1, 2, 3, ये नंबर है, और मैं कह रही हूं रेपिटिशन इज अलाउड, ठीक है। अब स्टार्ट करें, अगर रेपिटिशन अलाउड है, पहले वंस प्लेस पे मैं कितने वेज से सिलेक्ट कर सकती हूँ? 4 वेज से, बिल्कुल। तो मैंने यहां 4 वेज लिखे, यहां पर 4 वेज ही, रेपिटिशन अलाउड है, यहां पर भी 4। अगर 0 आ गया तो आगे 100 प्लेस पे 0 आ गया तो बेटा क्या ये 3 डिजिट नंबर रहेगा? नहीं रहेगा, है ना। तो दैट मींस यहां कंडीशन आ गई कि मैं 0 यहां पर नहीं लेके आ सकती, मतलब यहां पर एक और कंडीशन आ गई। तो व्हाट डज इट मींस कि यहां पर मेरे पास सिर्फ 3 ऑप्शंस रह गई, यानी आई कैन फिल ओनली यहां पर 3 वेज से, तो दैट मींस टोटल नंबर ऑफ वेज मेरे पास हुए 16, 48। यानी कंडीशन पे, क्वेश्चन पे डिपेंड होके अपने आप वो चेंज होगा। अच्छा, यही ये था रेपिटिशन अलाउड। अगर रेपिटिशन अलाउड नहीं होते और यही नंबर हो तो क्या करेंगे? देखो अपने आप डिफरेंस ढूंढो, खुद ढूंढो, ये 3 डिजिट नंबर बन गया। हाँ जी, फर्स्ट प्लेस कितने वे से? 4 वे से, ये लीजिए मैंने 4 वेज कर दी। अब यहां पर 3 वेज। अब यहां, अब देखो आप ये कह रहे हो कि मैम 1, ये केस हम ऐसे नहीं कैलकुलेट कर सकते। रीजन, क्योंकि यहां पर हम टोटल ऐसे नहीं निकाल सकते, माइट बी 0 पीछे कहीं यूज हो गया, हमें नहीं ना पता, हमने तो वो 0 वाला काउंट किया ना, तो वो ऐसे नहीं कैलकुलेट होगा। तो उसके कैलकुलेट करने का तरीका पता क्या? टोटल वेज से हम क्या माइनस कर दें, जहां 0 फर्स्ट प्लेस पे आप, तो अपने आप वही रह गए जिसमें 0 फर्स्ट प्लेस पे नहीं आता, क्योंकि आप वैसे केसेस निकालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ये क्वेश्चन भी आएगा आपको बुक में। तो तब हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं। हम टोटल वेज अभी हमने किए, हमने नहीं टेंशन लेनी कि 0 कहां आता है, 4 वेज, 3 वेज और 2 वेज, यही है ना, ये टोटल वेज है। यानी मेरे पास हुए टोटल वेज 12, 24, ठीक है। रिक्वायर्ड वेज क्या करेंगे, 24 में से वो माइनस करेंगे जहां पर 0 फर्स्ट प्लेस पे आता है। अब देखो 0 फर्स्ट प्लेस पे आता है, व्हाट डज इट मींस, मैंने 0 को फिक्स कर दिया। अब जब मैंने 0 को फिक्स कर दिया, यानी ये वन वे है ओनली,
मैं इसको चेंज नहीं कर सकती, जीरो पे तो क्रॉस ही लग गया, लग गया ना। अब मेरे पास कितने डिजिट्स रह गए, थ्री, कितने वेज होंगे यहाँ, थ्री वेज, टू वेज, यानी कितने हो गए, सिक्स वेज, 24 में से सिक्स गए 18 वेज। देखो क्वेश्चन का आंसर भी चेंज, कितने वेज में फर्क पड़ गया ना, वहां पर 48 से यहाँ पर मेरे पास कितने हो गए 18 वेज। और हर क्वेश्चन की टेक्निक अपनी है। अगर आप कहते हो कि मैम हम सीधा ही यहाँ पर मतलब यूज करें, मेरे पास फोर लगा दें, यहाँ पर थ्री वेज लगा दें मेरे पास, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, क्योंकि उसमें जीरो इंक्लूड हो गए। सबको ये बात समझ आई बेटा? और क्वेश्चंस करेंगे और क्लैरिटी होगी। यहां तक कोई डाउट है तो यू जस्ट रेज योर हैंड एंड आस्क मी। हाँ जी, यस मयंक, वेट बेटा, यस मयंक अनम्यूट योरसेल्फ। बट मैम हमें तो कहा गया था कि थ्री डिजिट नंबर बनाना है, तो ये 18 का वो हम 018 लिखेंगे। बेटा देखो ना, मैंने सारे डिजिट्स को यूज कर लिया, क्योंकि अगर जीरो फर्स्ट प्लेस पे मैं फिल कर देती हूँ, मुझे वो चाहिए ही नहीं है। मैंने तो पहले टू थ्री डिजिट नंबर बना लिए। अब थ्री डिजिट नंबर अगर मुझे 0, 1, 2, 3 लेके बनाने थे तो जीरो भी तो आएगा ना। हमें पता कि वो थ्री डिजिट नंबर नहीं है, इसीलिए तो वो माइनस किया ना मयंक। बात क्लियर हुई मयंक? मयंक ओके, क्लियर बेटा सबको ये बात? तभी तो वो माइनस किए, अगर माइनस ही ना करते तो कोई प्रॉब्लम ही ना आती। ठीक है जी, तो लेट अस डू नाउ मोर क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सरसाइज, ताकि जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों को पता चलता जाएगा। ओके जी, तो मेरे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आप अपना माइंड यूज करो, मैंने तो बता ही देना है। ओके, तो आई एम रीडिंग द स्टेटमेंट, हाउ मेनी थ्री डिजिट इवन नंबर, उसने कंडीशन एक और डाल दी, हाउ मेनी थ्री डिजिट इवन नंबर जो है कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1, 2, 3, 4, 5, 6 इफ डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, हम डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं। अब जरा देखिए बेटा, अगर मैं डिजिट्स को रिपीट कर सकती हूँ, सबसे पहले आपके माइंड में क्या आता है लास्ट में, क्या इवन नंबर आएगा? वेरी गुड, कि अगर ये इवन नंबर बनाना है तो लास्ट में 2, 4 और 6 यही ऑप्शन है मेरे, ओनली थ्री नंबर्स है ना। अब ये थ्री नंबर्स यानी इसको फिल करने के थ्री वेज, पहली जो कंडीशन होती है ना, कोशिश करा करो उसको सेटिस्फाई करो, काम खत्म हो गया, इसमें और कोई मैं डिजिट नहीं लगा सकती। तो अब यहां पर वेरी गुड, सिक्स वेज, यहां पर सिक्स वेज। आगे यही क्वेश्चन आप और इजी मेथड से भी कर सकते हो, परमोटेशन कॉम्बिनेशन जब लगा देंगे। अभी तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि बेसिकली है क्या ये नंबर ऑफ वेज है क्या, कि कितने केसेस हो सकते हैं। ठीक है ना, तो मेरे पास जो है क्योंकि साथ में ही तीनों सेलेक्ट करने हैं एंड केस इज देयर, तो टोटल मेरे पास 36 × 3 तो दैट मीन्स 18, 108 ओके 108 केसेस आते। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई सबको? चलिए नेक्स्ट करें क्वेश्चन। अच्छा आप मेरे को यहां पर अगर रेपिटिशन अलाउड नहीं होती ना, तो केस हमें अलग अलग बनाना पड़ना था। कैसे? मैं यहां पहले 2 फिक्स करती, तब 3 केस बनने थे, पहले 2 फिक्स करती, फिर 4 फिक्स करती, फिर 6 फिक्स करती, यहां और था 2 के साथ केसेस देखती है ना। यस मयंक, यस बेटा, मैम ये वाला एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। हाँ जी मयंक, यहाँ पर दिया गया मुझे कि इवन नंबर थ्री डिजिट बनाना,
अभी इवन नंबर है और इन डिजिट्स के साथ बनाना है, तो इसमें इवन नंबर होने के लिए हमेशा वंस प्लेस पे इवन नंबर ही आना चाहिए, मींस या टू आ सकता है या फोर आ सकता है या सिक्स आ सकता है, तो दैट मीन इसको सेलेक्ट करने के थ्री वेज है मेरे पास, ओनली थ्री वेज, ठीक है। अब रेपिटेशन इज अलाउड, तो दैट मीन्स यहां पर कोई भी डिजिट आ जाए इनमें से, सिक्स के सिक्स वेज और यहां पर भी सिक्स के सिक्स वेज। मयंक क्लियर है बेटा? चले हाँ जी बेटा। अब बेटा मेरे पास जो है, मैं ये बता रही थी, इफ रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, अब जरा देखना ध्यान से, मैंने तब क्या करना है, मैं डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट करूंगी, आई हैव टू मेक थ्री केसेस। केस वन, जिसमें मैंने यहां पर टू को फिक्स कर दिया। केस टू, मैंने यहां पर किसको फिक्स किया, फोर को। केस थ्री, मैंने यहां पर सिक्स को फिक्स कर दिया। अगर मैंने टू को फिक्स किया यहां, बाकी कितने नंबर रह गए, फाइव। यानी ये तो वन वे है ना, दिस इज वन वे, दिस इज वन वे, क्योंकि टू को हिला ही नहीं सकती मैं, ओनली वन वे इज देयर। तो बाकी कितने यहां पर आ गए, फाइव वेज, यहां पर फोर वेज। जब मैं वेज लिखती हूँ तो मैं डब्ल्यू डालती हूँ, जब मैं डिजिट फिक्स करती हूँ तो मैं उसके साथ कुछ नहीं लिखती हूँ ताकि पता चले। अब ये साथ में सिलेक्ट होने हैं ना, फाइव इंटू फोर ट्वेंटी, ट्वेंटी इंटू वन, ये ट्वेंटी वेज इसके हो गए जब टू फिक्स किया। अब फोर फिक्स करूंगी, वन वे, फाइव इंटू फोर। आगे इसका शॉर्टकट भी है, अभी मैं आपको मेथड आपके दिमाग में बिठा रहा हूं, ठीक है। तो मेरे पास जो है यहां पर कितने वेज हो गए, ट्वेंटी वेज हो गए। फिर सेम यहां पर भी कितने वे हो गए, ट्वेंटी वेज हो गए। अब मैं क्या आपको बताना चाहती थी, और केस है, केस ये भी हो सकता है, और केस टू भी हो सकता है, और केस थ्री भी हो सकता है। मैंने आपको पहले ही बोला था, जब माइंड में और आए तो क्या करना है, प्लस करना है, यानी नेट या टोटल रिक्वायर्ड वेज, दैट इज 20 प्लस 20 प्लस 20, दैट इज 60 वेज। अब पता चला और एंड का डिफरेंस, और वैसे भी सेट थ्योरी में हमने किया हुआ है तो वहां आपको क्लियर कट पता चल जाता है। सबको क्लियर है? Any doubt in your mind, you can ask me regarding this concept. इतना important है बेटा ये, कि अगर आप अभी भी नहीं समझोगे तो it will create a problem to you. Okay? चलिए next question बेटा। मैं साथ में book में सिर्फ repetition वाला था, मैंने उसको mold करके extra question भी साथ में ही आपको, कि ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान से कंफ्यूज नहीं होना, मैंने बुक वाला करा दिया, मैंने उसको एक्स्ट्रा में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी फोर लेटर कोड, ध्यान से देखिए, हाउ मेनी फोर लेटर कोड जो है कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 letters. अब मैंने 4 letter code बनाना है using the first 10 letters of the English alphabet if no letter can be repeated. मेरे पास है, उसने कहा किसी को भी हम repeat नहीं कर सकते, तो एक second में answer निकलने वाला है। हाँ जी, online students, Aditi, अदिति अनम्यूट योरसेल्फ, अदिति। यस मैम। बता सकती हो बेटा कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैम लास्ट में 10, फिर 9, 8, 7 एंड मल्टीप्लाई कर। वेरी गुड अदिति, वेरी गुड। मेरे पास जो है 10 वेज, 9 वेज जो है, देन 8 वेज, देन 7 वेज मेरे पास जो है, और मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट द नंबर ऑफ वेज। ओके,
सबको बात क्लियर हो गई? नाउ अर्शदीप, अर्शदीप अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। अर्शदीप अगर मैं यहाँ पर कहती कि लेटर्स कैन बी रिपीटेड तो कैसे करते? यस मैम। हाँ जी, तो क्या आता? मैम फिर 10 × 10 × 10 × 10। वेरी गुड, वेरी गुड अर्शदीप, वेरी गुड। हाँ जी, नेक्स्ट आर्यमन, आर्यमन, आर्यमन अनम्यूट। यस मैम। हाँ जी, लिसन द नेक्स्ट क्वेश्चन केयरफुली आर्यमन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ मेरे पास हो गए। हाउ मेनी फाइव डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड मेरे पास यूजिंग द डिजिट 0 to 9। मुझे टेलीफोन नंबर बनाना है यूजिंग द डिजिट 0 to 9 मेरे पास जो है, और फाइव डिजिट नंबर बनाना है मेरे पास, फाइव डिजिट नंबर, ओके। और उन्होंने क्या कहा है मेरे पास जो है, बट यहां पर आगे कंडीशन दे दी, इफ ईच नंबर स्टार्ट विद 67। मुझे फाइव डिजिट नंबर बनाना है, बट दे मेंशन हियर कि ईच नंबर स्टार्टेड विद 67 एंड नो डिजिट अपेयर मोर देन वंस, और किसी भी डिजिट को मैं एक से ज्यादा बार यूज नहीं कर सकती। दैट मीन 0 से 9 में 10 डिजिट्स होते हैं, 2 तो ऑलरेडी यूज हो गए, कितने रह गए? 8। इसको सेलेक्ट करने का वन वे, वन वे। हाँ जी बताइए आर्यमन, नेक्स्ट क्या करेंगे अब? जो 10 पहले 8 यूज हो गया, फिर 7, फिर 6। बिल्कुल जी, ये वेज हैं, ये डिजिट्स हैं जिनको फिक्स किया। वेज़ी मैं, वेज़ी बोला। तो मल्टीप्लाई करो एंड यू विल गेट योर आंसर। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू कॉन्सेप्ट। ट्राई टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज, आई विल टेक ओनली प्रॉब्लम्स, ओके, एंड बी रेडी विद योर प्रॉब्लम टुमारो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर बेटा।